Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Ram ji ke paas hai sab ke liye masala. Ani naam piteta si devi bhagavati sa valda krishna mohaya maha. Hamar bachua pura paisa de diya. राम जाने का का करना पड़ा होगा हमार बेटा को इतना रकम जुटाने खातिर का राजा इतना टाइम गिनने में सुबह से हम समधी जी के सामने नहीं जा पा रहे का है अरे राधे से पैसे लेकर हमको समधी जी को दहेज में पैसे देने थे का सबके सामने घाटी टान कर लाल कपड़ा में बांध के दिया ऊ का था राम जी बस हो गया पिताजी 251 है कल सवेरे सवेरे उठ के हम बैंक में जमा कर देंगे बैंक में चूना लग गया का रे बुरबक समझ लिया है अपने जैसा बकलोल हमें कहीं से पैसे आने की आस थी टूट गई इसीलिए गड़बड़ हो गई वो पांडे जी जा रहे हैं उनको विदा नहीं करे काहे का आते हैं चलो देखिए राम जी ब्याह हो गया लड़की विदा करके हम ले जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद नहीं 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 ब्याह हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम फंस गए हैं इमंतर फेरा रीति रिवाज सबका काट है हमारे पास रिश्ते में आते हैं बड़की चाची की तरफ से नाम है वकील चौबे लंदन में पूर अपसर गए हैं खूब जमा लिए हैं वहाँ का बर्बाद खाना खा खा के थौबड़ा पिछड़ा एक हो गया बेचारे तभी उसने बताया कि उसे एक वेजिटेरियन कुक की जरूरत है वेजिटेरियन कुक अरे भाई साहब विक्की चौबे साहब का घर जस्ट राइट है यही है का अरे यहाँ तो पूरा मेला लगा रहे भाई मिस्टर विक्की चौबे ये क्या हो गया अब हम क्या करेंगे भाई पार्वती हमारा बैग अरे हमारा बैग कहाँ गया भाई अरे बैग कौन उठा भाई हाँ गुरु अरे कोई है का अरे 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 भैया अरे बिटवा अरे लग जाएगा गाड़ी अरे कर रहे भाई अरे किसका बच्चा ये सोनू बेटा सॉरी बेटा ठीक हो ठीक हो ना हाँ बिल्कुल ठीक है भाई वी आर वेरी ग्रेटफुल थैंक यू सो मच आपने सोनू की जान बचाई अरे अरे छोड़ो आप ओह माय गॉड गुरु इज ब्लीडिंग ना ना कुछ नहीं वहां बिल्कुल ठीक कैसे आप हमारे साथ घर आइए ना 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 हम नहीं खिलाएंगे आप अपने आप पूरा खा लीजिए फिर हम आपको जाके चार मुंह वाले राक्षस की कहानी सुनाएंगे नो 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 राम जी वो ये सब नहीं खा सकता नहीं खा सकता ना सोनू बीमार है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है ना वो तो हम देखते ही समझ लिए थे फिर भी हम देखने की बात नहीं है ना राम जी सोनू अपना खाना खुद निगल तक नहीं पाता उसे तो मैं खिलाऊं तो अरे वो का थूकेगा अब तक तो आधा खाना हजम हो गया होगा हम कह रहे थे ना कि अगर भूखे बच्चे के सामने खाना ठीक तरीके से रख दो तो पूरा गोदाम खाली कर देगा क्यों सोनू बाबू सही कह रहे थे ना सोनू पूरा खाना खा लिया अपने आप ही खा लिया मतलब गुरु व्हाट इसने पहली बार खुद से खाया यू बिलीव इट ही इज फाइन अबू क्या बेटर बी केयरफुल ऑफ क्या नाम बताया राम जी कहता तो है कि सारे पेपर्स लेके आया था वर्क परमिट भी था उसके पास लेकिन जहाँ काम करने वाला था वहाँ ट्रेजरी हो गई सो उसके बाद ट्रेन में बैग चोरी हो गया इसलिए सारे पेपर्स भी सो गुरु डू यू वांट टू हेल्प हिम वेल लेट्स सी व्हाट वी कैन डू ये रसोई है या ताजमहल सब कुछ इतना साफ सुथरा अच्छा लगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा ऐसा लग रहा जैसे हम घर पे आ गए हैं Very good. गुरु और मैं बाहर रेस्टोरेंट में हैं। ये लोग तुम्हें काम समझा देंगे। You're damn right. Hey, Ramji. Check. Meet Ramji. Meet Sammy, Mary Mangeter. Huh? Hi.
Hi, Ram. Om Keshwaya Namah Om. Keshwaya Namah Om. Samapayami. Hey, what are you doing? Looks like there's some trouble there. Let's go. Looks like there's some trouble. Hey, leave him alone. Haram jade, hato yase. But jat. Shadi ke chhodna aap chhodna hota hai. Ham chhod karke pitaji ki atma ko shanti pahunchane ki koshish kar rahe hain aur yahan par ashanti phaila rahe hain bodba kahin ke. Are kahan ja rahe hain? Oh, Pandit ji. Are baat kar rahe hain, suniye. Are suniye Pandit ji. What happened? I was sitting by the river side, slowly shouting my mantras. Then these Gora Choras, they come, beat their bad legs, and they kick on my balls. All five balls. Officer, I have the papers for this man's release. I want this man's work permit papers, his passport and his visa on my desk Monday morning. क्या जरूरत थी बोलने की कि तुम मेरे होटल में काम करते हो? तुम्हारा काम करने का permit, passport? या कोई पहचान पत्र नहीं है तो तुम वैसे भी इस देश में मुजरिम हो और ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने के जुर्म में मैं भी सड़क पे आ जाऊंगा यही कानून है किसी भी देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस देश के दामाद बन जाओ लेकिन दोस्त शादी के लिए एक लड़की चाहिए वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो बस थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है पैसा मैं किसी भी तरह से मैनेज कर लूंगा यार अरे गुरु भैया ये भी कोई हल हुआ का समस्या का हल ढूंढने वाली बात अलग होती है और किसी को कुएं में ढकलने वाली बात अलग गुरु भैया कौन है ये लड़की वो समीरा ना ये सब हमसे नहीं होगा आपको जो कहना कर लीजिए हम वापस जा रहे हैं ठीक है जाओ वो लोग मुझे जेल डाल देंगे मेरी पत्नी को जेल में डाल देंगे और हमारे बच्चे को हमसे अलग कर देंगे राम जी और इस सबसे बचने के लिए मुझे अगर हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव पड़ के गड़गड़ाना पड़ेगा गुरु भैया गुरु भैया आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। जो करवाना है करवा लीजिए। In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, you think you've got round the problem? Officer, you've got your job to do, and I've got mine. We are from the Immigration Office. Oh. अच्छा ये बताइए आप दोनों का मेल कैसे हुआ तुम बताना हनी हाँ तुम ही बताओ ना हनी हाँ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कोई बात नहीं आप दो हफ्ते बाद हमारे दफ्तर आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए और उम्मीद करता हूँ आपकी शादी असली हो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रानी बेटे नाश्ता कर लो मुझे नहीं चाहिए मुझे लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ लव यू अरे 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 हर रोज ऐसा अरे समीरा जी का बैग कहाँ गया वो तो गई गई हाँ अरे उनके बैग में हम जूस का बोतल रखे थे ढक्कन लेने गए थे ढक्कन हाँ तो क्या किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए अपने काम से काम रखो इसको समझा दीजिए वरना समीरा जी सुबह के लिए सारी आइए ना खाना तैयार है खा लीजिए ना मुझे भूख नहीं है अरे बेटी राम जी ने आज पहली बार तुम्हारे लिए नॉनवेज को हाथ लगाया है मैं खाना खा चुकी हूँ मुझे भूख नहीं है एंड प्लीज डोंट फोर्स मी अच्छा लगा ना ग्रैनी आप यहाँ क्या कर रहे हो एक्चुअली आई एम सॉरी मैंने झूठ बोला था मैंने खाना नहीं खाया था खाना भी बहुत अच्छा बनाता है आप क्या खा रही हैं गाजर का हलवा क्या बिना शक्कर का है वो हेल्थ फूड भी बहुत अच्छा बनाता है वो तो है मगर इससे अच्छा फिश मैंने पहले कभी नहीं खाया अच्छा गवार है मगर खाना बहुत अच्छा बनाता है ना कहाँ गया वो राम जी अभी तक सैंडविचेस नहीं लाया ग्रैनी वो नौकर नहीं है मैं क्या करूं वो मानता ही नहीं है He loves cooking. Cooking. You know what? Ritz Hotel ने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया है जिसके लिए उन्होंने कंपटीशन भी रखा है आप कहे तो उसके गाजर के हलवे की रेसिपी भेज दे जरूर गुड आइडिया एक्सक्यूज मी यस अपना भिंडसर के लिए यहीं से बस मिलता है का A3 A3 अच्छा अब यू न्यू टू लंदन
न्यू? हाँ हाँ हम यहाँ नए हैं। अपना समीरा जी को जानते हैं क्या? समीरा। अरे अपने जय साहब है ना, उनकी मंगेतर है। जय कपूर? हाँ। लड़की का नाम क्या बताया? समीरा। जानती है आप उनको? नहीं, बस उसे कहना जैसे बच के रहे। जैसे संभल के रहे, क्या मतलब है? आप जय साहब को जानती हैं क्या? अरे वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान हैं? इसलिए पिछले 4 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी? उनकी बीवी रह चुकी हूं मैं। राहुल, राहुल मेरा बेटा नहीं है। मुझे अपने आप से खेद आती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के इतनी करीब आई, जिसने पिछले 3 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। ऐसे बेशर्म आदमियों को कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद धमकी देकर गया है। धमकी? हाँ, कि मुझे जेल भिजवा देगा और रामजी को कंट्री से बाहर भिजवा देगा। Are you sure about this, Mr. Kapoor? Yes, I'm sure. I'm sure we'll get enough evidence to nail them. पिताजी का नाम था। Hello. Hi, Sammy. तुम अब तक गुस्सा हो? जे? Thank God. तुम बात तो कर रही हो? तुम कभी नहीं करोगे। Please forgive me, Samira. I really love you. जलेबी बना रहे हैं। हमारे बच्चे हैं। Exactly जैसे। Recording कर। समीरा मुझे माफ कर दो। अरे हनी, हमारे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर देंगे क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? Of course, sweetie, शर्ट उतार कर लेट जाओ। और मुझे क्या मिलेगा? जो मैं आपको रोज देता हूँ। Oh baby, come here fast. You bastards, you're gonna pay for this. I'm telling you. दिन में भी चमके जुगनू, आँखों से टपके खुशबू, सपना है या जादू, जानू मैं ना जाने तू। मुझे पार्वती के बारे में बताओ ना। अरे गांव में हमारी बहन पार्वती है, पार्वती के बारे क्या बोले? हेलो जी, राम जी से बात करना था। जी वो घर पर नहीं है। और आप? भाभी, पार्वती, आपको कैसे पता कि हम बोल रहे हैं? जो राम जी को जानता है वो तुम्हें कैसे नहीं जानेगा, वो तुम्हारे बारे में कितनी बातें। जी राम जी से बात करनी थी। पार्वती सब ठीक तो है ना? मुझे कहो। घर से निकाल दिए हमको, हम तो सोच रहे थे कि मर जाए, लेकिन पप्पू हमको बचा लिए। पप्पू हमरा राम जी के बचपन के साथी। नमस्ते। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। तुम पार्वती का साथ दोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे। उससे शादी करोगे? बोले ना, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे। पर राम जी, उसकी चिंता तुम मत करो। उनके पिताजी काम करते थे हुवर कंपनी में। उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में 1993 में। गांव तकीपुर, डिस्ट्रिक्ट का नाम? कम ऑन, प्रकाश कुमार। मिस्टर रामजी, फॉर इंफॉर्मेशन दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है, क्या कह रही? ये कह रही है हमारी बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो रही है। ओके रेडी? आपका नाम? रामजी। पूरा नाम? रामजी रामनारायण तिवारी। उनका लंदन कैसे आना हुआ? नौकरी के सिलसिले में। कैसी नौकरी? बावर्ची हूँ, खाना बनाता हूँ। अपनी पत्नी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? देखिए बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, अकेले ही अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखी हैं, ठीक हमारी तरह। What really drove me towards him was his innocence, his simplicity. उन्होंने अकेले ही हमारी बहन का घर बसा दिया। उन्होंने वो सारा पैसा गाँव भेज दिया जो उनको मेरी बीवी बनने के लिए मिला था। राम जी, जज्बात में आकर तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। क्या कह रहे?
अरे बीवी हो तुम्हारी, तुम मुझे गले लगा सकते हो। मिस्टर रामजी, Mr. Ramji, we are delighted to be able to reveal that you are the winner of the Elephant Brand Atta Dish with a Difference competition. As a winner, you've won £50,000 and huh? we'd be more than happy to offer you the job as head chef. अरे क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तुम कंपटीशन जीत गए हो रामजी. क्या? और बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. Excuse me, everybody, before this gets any more confusing. Huh? This man is not entitled to win anything in this country, as he has been classed as an illegal immigrant. Excuse me, officer. I'm from the Home Office. Mm-hmm. Mr. Ramji is not an illegal immigrant. He lost his passport and his work permit when he arrived in the country. It seems he's been sponsored by a British company. Hmm. These all seem to be in order. Mm-hmm. I guess Mr. Ramji's a free man. अरे ये पैसा हमारा हो गया? सब पैसा, एक-एक पैसा इसमें तुम्हारा है। और अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। सब ठीक हो गया। हाँ रामजी। इसको लेकर हम अपने गांव जा सकते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी है। जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने जिंदगी में सबसे प्यारी चीज और जिम्मेदारी को बीच में चुनना पड़ता है। दिल कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को चुन लो, पर दिमाग कहता है कि अपनी जिम्मेदारियों को अपना लो। चलते हैं। जिंदगी में सिर्फ एक बार रामजी जैसे इंसान से मिलने का मौका मिलता है, और फिर उसे अपने दिल की बात न बताना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम लोग जब चाहो टिकट खरीद करके हमें देख सकते हो, लेकिन हमें मौका नहीं दोगे अपना वर्ल्ड फेमस गाजर का हलवा खाने का। एक आम आदमी का सपना ई हद तक पूरा हो सकता है, इस सपने का भी सपना नहीं देखे थे। अरे भाई ताली बजाइए। सब कुछ मुमकिन है। राम जी के पास है सबके लिए मसाला।